अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द क्ले वर्क लेट मी टेल यू वन थिंग। आई हैव दिस क्ले मॉडलिंग डो, बट इफ़ यू डोंट हैव दिस टाइप ऑफ क्ले, ये तो मार्केट का है, अगर आपके पास ये क्ले नहीं है तो आप घर पे क्ले हैंडमेड बना सकते हैं। उसका मटेरियल मैं आपको बता सकती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए होगा मैदा, नमक और ग्लू, थोड़ा सा लिटिल बिट। इन तीनों को मिक्स करके आप उसका डो बना के उसको भी इस पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इस क्ले आर्ट के लिए मैंने ये बॉल लिया। ये आपको पता ही है, बच्चों के किंडर जॉय के बॉल्स हैं, इसको मैंने यूज़ किया है। तो भी ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमारा मोटिव यही है कि जो चीज़ें मटेरियल घर पे अवेलेबल हो, हम उनसे बच्चों को कुछ क्रिएटिव सिखा सकें। तो मेरे पास एक ये किंडर जॉय की बॉल रखी हुई थी, तो मैंने उसको यूज़ किया है। इसको मैंने इस तरीके से पेस्ट किया है। इसको पेस्ट करने का मैं स्टाइल आपको बताती हूँ। इस बॉल की कैप को मैंने इसे नीचे रखा, फिर उसके ऊपर से इसको ऐसे पेस्ट किया है। ठीक है ना, पेस्ट किया है। और इसके नीचे बेस देने के लिए मैंने एक कॉरिगेटेड शीट को सर्कल शेप में कट करके पेस्ट किया है। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा था। और फिर मैंने ये देख लिया, ये आपको ये ग्लू से पेस्ट करना है। और उसके ऊपर मैंने ये डो को यूज़ किया है, इसको लाइनिंग दी है ताकि हमारा जो ग्लू है वो थोड़ा हाइड हो जाए। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्ले। सो बच्चों को क्ले वर्क बहुत पसंद होता है, वो हमेशा डिमांड करते हैं मैम कुछ क्राफ्ट का आइटम सिखाइए। तो मैंने उनके लिए ये सोचा, क्योंकि मेरे पास कुछ पुराने रखे हुए थे, तो आपको इस क्ले को, मेरे पास तो कलरफुल क्ले है, अगर आपके पास कलरफुल क्ले नहीं भी है तो आप उसको डो को जो भी है उसको आप वर्क करने के बाद कलर भी कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं भी अभी यूज़ करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे करना है। मैंने येलो कलर लिया है, येलो कलर का डो लिया है, उसको मैंने मोल्ड किया और इसके टॉप पे देखना टॉप ग्लू अप्लाई करना है। इस तरीके से हमें इसको पाम से पेस्ट करना है। ठीक, देन अगेन अभी क्ले वर्क होने के बाद इसमें फिनिशिंग भी दी जाएगी। कैसे देनी है मैं आपको बताऊंगी। ग्लू अप्लाई करना नहीं भूलिएगा, वरना ये ड्राई होने के बाद निकलने लगते हैं। इसलिए ग्लू अप्लाई करना मस्ट है। ये देखिए मैंने ग्लू अप्लाई किया है। अब मैं इसको धीरे से, ये मैं बना रही हूँ मदर एंड चाइल्ड। इस साइड से भी हमको इसको ऐसे पेस्ट करना है। थोड़ा बड़ा हो गया। बिफोर पेस्टिंग प्लीज अप्लाई द ग्लू। मैं ये बार बार बता रही हूँ, अगर आप ग्लू नहीं लगाएंगे तो वो ड्राई होने के बाद निकल जाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ओके,
छोटे बच्चे प्ले को बहुत एंजॉय करते हैं। Look at this. अब मैं इसके हैंड्स बनाऊंगी। और इसको किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आप इसमें फिंगर्स की कटिंग दे सकते हैं। देखना, ठीक, 1, 2, 3, 4 Look at this cutting. मेरे पास अभी कुछ ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है बिकॉज ये लॉकडाउन सेशन चल रहा है, तो हम जाके ले भी नहीं सकते हैं। जो है चीज़ें उसी में हमें एडजस्ट करना है। ये है ममा का हैंड, ठीक है, बेस की भी कटिंग होगी। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बस वन टू थ्री फोर, ठीक है। अनदर वन, वन टू थ्री फोर, ये देखो ये हो गया ना। चलो हमको इनकी ड्रेस बनानी है, ठीक है। मम्मा की ड्रेस बनानी है, क्यूट सी प्यारी सी, ठीक है। इसको सी मम्मा को मैंने कुछ ड्रेसेस भी वेयर करा दी हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टचअप देना होगा जो मैं दे रही हूँ। ना ये नहीं अच्छा लग रहा, इसको हम नीचे इसकी ड्रेसेस बना देंगे, नीचे की ड्रेसेस, ठीक है। अभी इसमें बहुत काम है, बट जिन्हें इंटरेस्ट है उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, वो बहुत इंटरेस्ट लेके काम करते हैं।
मुझे तो क्ले आर्ट बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जो मिट्टी से बनाते हैं। दिस मच वी हैव डन। चलो अभी क्योंकि हमारे पास ब्लैक क्ले नहीं है तो मैंने ये ब्राउन क्ले यूज़ किया है मम्मा के हेयर्स बनाने के लिए। इसको आपको थंब पे ऐसे पुश करना है, इसकी लेयर बनानी है पतली सी, ठीक है, ऐसे। और ये देखिए, ये फेस पे मैंने स्पून के थ्रू, लुक एट दिस, इसको मैंने हल्का सा ऐसे पुश किया है, ठीक है। अब इसको भी हम ये स्पून से मैंने इसको ऐसे कट करके इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर देना है। और बाकी के टचअप तो हमें कलर के थ्रू देना है, ठीक है। ठीक है, ये देखो। अब इसको हमको मम्मा की चुटिया बनानी है ऐसे, ठीक है। अब मुझे चाहिए कोई शार्प ऑब्जेक्ट, मैं इस पेन का स्पून का यूज करूंगी। इसको मुझे इसके हेयर के स्टाइल लेनी है, डिजाइन देना है। ताकि इसमें छोटी का लुक आ सके, ठीक है। देखो जब आप इसे करने लगोगे ना तब आप इंजॉय करोगे। थोड़े से अगर आप इस पे भी टचअप दे दोगे तो अच्छे लगेंगे। जितना आप टचअप दोगे उसको उतना वो चीज़ उभर के सामने आएगी और अच्छी लगेगी। ना ना ज्वेलरी नहीं पहनानी है बच्चों को, ठीक है। ज्वेलरी नहीं पहनानी है, वो हम कलर के थ्रू उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। आई थिंक दिस मच इज डन, तो शुड वी स्टार्ट द कलरिंग। मुझे लगता है बच्चे के हेयर को कलर करना जरूरी है। यस, ये देखो, इसको आपको इस तरीके से पेस्ट करना है। अभी हमें इस पे, जब ये ड्राई हो जाएगा, इस पे कलर भी करना है। मैंने तो इस पे एक्रेलिक कलर यूज करना है। अगर आपके पास पेंट हो तो आप पेंट भी यूज कर सकते हैं।
इस पे भी हम देखिए इससे इसके हेयर का टेक्सचर दे सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए आपको उठा के दिखाती हूँ। अभी हमारा क्ले वर्क हो गया है, अभी हमको इस पर कलर करना है जब ये ड्राई हो जाएगा। ओके, तो हम कलर स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एक्रेलिक लिया है, फेविकोल का एक्रेलिक कलर, और इसको मैंने मिक्स करना है। सबसे पहले फेस कलर स्टार्ट करते हैं लाइट टोन से। ये देखो, ये तो बच्चों की क्ले मॉडलिंग वाली क्ले मैंने यूज़ की है, जो मेरे पास अभी इस समय अवेलेबल थी तो मैंने यूज़ कर दी। जो वाइट क्ले आती है मार्केट में शिल्पकार वाली, उस पर जो हम कलर ऐड करते हैं तो उसका लुक अलग होता है, उसमें और भी फिनिशिंग आती है। अभी इनके बालों को मैं ब्लैक करना है। फेस कलर बनाने के लिए हमें ऑरेंज में वाइट ऐड करना होता है। जब ऑरेंज में वाइट ऐड करेंगे तो फेस कलर बन जाएगा। ये देखिए मैंने ऑरेंज में वाइट ऐड किया हुआ है फेस कलर बनाने के लिए। अगर आपके पास सेम कलर की क्ले है, फेस कलर की, पीच कलर की, तो दैट इज़ मच बेटर, फिर आपको कलर करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई आपको नीड नहीं है कलर करने की। बट अगर नहीं है तो कलर कर सकते हैं, इट लुक्स मोर अट्रैक्टिव। आप नहीं भी कलर करोगे तो भी ये सुंदर लगेगा, डोंट वरी, इट्स अ मॉडर्न क्ले आर्ट। थोड़ा डार्क हो गया है कलर, इसमें ऑरेंज थोड़ा सा ऐड करना होगा ताकि ये सेम फेस कलर में आ जाए। अब ऐसे ही हमको अभी ये फेस कलर ड्राई हो जाए फिर इस पर हमने फेशियल फीचर्स ऐड करने हैं। अभी हमको इनके हेयर कलर करना होगा। ये देखो, इसको मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। एक्रेलिक कलर क्ले पे बहुत ईजली स्प्रेड होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
मैंने पहले भी बोला, अगर आपके पास कलर अवेलेबल नहीं है तो ये ऐसे भी विदाउट कलर भी अच्छा लगता है, इट्स लुक लाइक अ मॉडर्न आर्ट। बट अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। Now it's time to make eyes, facial features. Okay. ठीक है।